नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। अनुराग चतुर्मोहता फाउंडेशन ने कोरोना महामारी कोविड-19 के चलते गरीब जरूरतमंद लोगों को 30 टन अनाज वितरित किया। जी हां, आगे भी करते रहेंगे, ऐसा कहना है इस फाउंडेशन का। आपको बता दें कि इस भागम भाग भरी जिंदगी में कोरोना वायरस कोविड-19 ने ब्रेक लगा दिया है, जिससे सभी लोगों की जिंदगी पर इसका काफी असर पड़ा है। आज हालात ये हैं कि घरों से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है और लोगों की जान बचाने के लिए सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए। जी हाँ, इस लॉकडाउन के चलते रोज कमाकर अपना जीवन यापन करने वाले गरीबों पर काफी असर पड़ा है। अब उनके सामने दो वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में समाज सेवी अनुराग चतुर्मोहता फाउंडेशन, जो शुरू से ही निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते आए हैं और इस महामारी से गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं, उन्होंने गरीब असहाय व जरूरतमंद लोगों को रोज के जरूरी सामान जैसे चावल, सब्जी, किराना, जो एक हफ्ते तक उन्हें चल सके, व उन्होंने अपना नंबर भी देकर अवगत कराया कि जब भी आप लोगों का राशन पानी खत्म हो जाए तो हमारे नंबर पर कॉल करके बता दीजिए और वह सामान आप लोग तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, जब हमारी टीम ने अनुराग चतुर्मोहता से पूछताछ की कि ये राशन वितरण कब तक चलेगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा पूरे जिले में, तब तक वहाँ गरीब असहाय व जरूरतमंद तक राशन पहुँचता रहेगा। जितने भी इंटीरियर से लेके शहर, गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के अति सूक्ष्म गरीबी रेखा के लोग हैं, उन तक अनाज पहुंचाने का निरंतर कार्य हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। लगभग अभी तक हमारे द्वारा 10,000 से अधिक पैकेटों का वितरण किया जा चुका है। उस पैकेट में चावल है, दाल है, शक्कर है, तेल है, इसके अलावा आटा है, सैनिटाइज़र है, साबुन है, बिस्किट है, और इसके अलावा हम रोज़ की 2 किलो फ्रेश सब्जी और 1 किलो सलाद के रूप में ककड़ी, साथ में नमक और मिर्ची, ऐसे करके लगभग 9 से 9.5 किलो का हमारा एक पैकेट बन रहा है, जिसको हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उस हितग्राही तक पहुंच सके जिसको इसकी अति आवश्यकता है। लगभग अभी कितनी पंचायतें में आपने इसे लाया? 91 पंचायतें हैं हमारे यहाँ पर बालाघाट और लालबर्रा में, और साथ ही साथ 33 वार्ड हैं। ऐसे करके 124 यूनिट में लगभग ऐसी कोई जगह शेष नहीं है जहाँ हमारे पास हमारे द्वारा अनाज वितरण नहीं किया गया है। साथ ही साथ जैसे एक आज के युग में स्विगी का, जोमेटो का भी युग है, तो हमारे द्वारा अपने नंबर प्रदान किए गए हैं, हमारे जो लोग हैं वो हमको मैसेज में अपना एड्रेस मुहैया करा रहे हैं और हमारे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमारे द्वारा उनके घर तक उस अनाज को पहुंचाने का कार्य पूरी ताकत से किया जाए।